GPCR इन विजन सिस्टम, GPCR इन विजन सिस्टम। वियाग्रा ड्रग को जो है ना सिल्डेनाफिल सिट्रेट भी कहा जाता है। वियाग्रा को क्या कहा जाता है? सिल्डेनाफिल सिट्रेट, इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपने कभी आईज के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है रोड्स और कॉन्स होते हैं आपके आईज में, दो फोटो रिसेप्टर होते हैं। सो दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आपके आईज में, फोटो यानी लाइट रिसेप्टर, दो फोटो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है रोड्स एक होता है कॉन्स। ये दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रोड्स क्या होते हैं? रोड्स वर्क करते हैं लो लेवल ऑफ लाइट पे। ये फोटो रिसेप्टर कब काम करते हैं? जब लाइट कम होती है। वर्क एट लो लेवल ऑफ लाइट, जब लाइट कम होती है ना तब ये काम करते हैं, लो लेवल पे काम करते हैं। सो ये नाइट विजन में मेनली हम लोग नाइट विजन में मेनली ये यूज होते हैं, ठीक है। और कॉन्स के बारे में बात करें तो ये वर्क करते हैं हाई लाइट पे, वर्क एट हाई लेवल ऑफ लाइट, तो डे टाइम पे यूज होते हैं। तो तीन टाइप के कॉन्स होते हैं, ब्लू ग्रीन और रेड, ठीक है। तो ये डे विजन में काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीपीसीआर इन विजन सिस्टम में आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी। ये तो एक नॉर्मल सी चीज मैंने आपको बता दी। अब जीपीसीआर पे आते हैं, अपने मेन पे आते हैं, मेन टारगेट पे। तो यहां पर ना नाम बदल जाते हैं। नाम कैसे बदलते हैं? यहां पर आप लोग जीपीसीआर जो है, जीपीसीआर को आप लोग यहां पर क्या कहोगे? रोडोप्सिन। क्या कहोगे जीपीसीआर को? रोडोप्सिन। जैसे कि एक इंसान के दो नाम होते हैं ना, तो जीपीसीआर को इस कंडीशन में इसका होमोलोगस क्या है? वो है रोडोप्सिन। यहां आप उसको रोडोप्सिन कहोगे। मैं रोडोप्सिन कह रही हूँ तो समझ जाना जीपीसीआर यानी रिसेप्टर के बारे में बात हो रही है। समझ जाओगे ना, रिसेप्टर के बारे में बात हो रही है। जैसे किस तरीके से मान लो कि ये जीपीसीआर अगर आईज में इस तरीके से अगर मैं बना रही हूँ ना, इस तरीके से, और ये आउटर, तो यहां पर आप लोग ये चीज समझ जाना कि अगर मैं यहां पर बोल रही रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, तो समझ जाना ये जीपीसीआर है यानी रिसेप्टर है। ये क्या है? ये रोडोप्सिन क्या है? ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है यहां पर। अब जी प्रोटीन से कपल्ड एक प्रोटीन जी, वहां पर हम लोग जीपीसीआर रिसेप्टर था, उसके साथ जी प्रोटीन जुड़ा हुआ था। तो यहां पर जी प्रोटीन को क्या कहोगे आप लोग? यहां पर आईज वाला जब पढ़ोगे विजन सिस्टम, तो यहां पर आप उसको जी प्रोटीन नहीं कहोगे, जी प्रोटीन के जैसा ही और कोई होगा। जी प्रोटीन की जगह उसका नाम क्या होगा? जी प्रोटीन का नाम होगा यहां पर ट्रांसड्यूसिन। क्या नाम होगा? ट्रांसड्यूसिन। तो यहां पर इसके साथ कौन लगा होगा? ट्रांसड्यूसिन। तो अगर मैं ट्रांसड्यूसिन यहां कह रही हूं तो समझ जाना ये जी प्रोटीन है, ठीक है। एक रिसेप्टर है और एक उससे जुड़ा हुआ जी प्रोटीन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो यहां पर ये रोडोप्सिन है, वहां पर क्या हो रहा था? ये जो रोडोप्सिन है वहां पर जैसे ही लाइगेंड बाइंड कर रहा था तो कुछ चेंज हो रहे थे जीपीसीआर में, यहां पर भी चेंजेस होंगे।
यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर चेंजेस ये होंगे, जनरली जो रोडोप्सिन होता है हमारा, ये रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन में देख रहे हो ना रोडोप्सिन, तो ये ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑप्सिन प्रोटीन, ये ऑप्सिन जो है ना ये प्रोटीन है एक। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर रोडोप्सिन जो है 11 सिस रेटिनल फॉर्म में होता है, जब तक लाइट नहीं आती है, डार्क कंडीशन में, डार्क कंडीशन में 11 सिस रेटिनल जो है ये रहता है, लेकिन जैसे लाइट आ जाती है, जैसे लाइट दिन के कंडीशन में क्या होता है, ये 11 सिस रेटिनल जो है लाइट के प्रेजेंस में 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 11 ट्रांस रेटिनल में, ठीक है। तो ये चीज रहती है, चीज ध्यान रखना कि रोडोप्सिन डार्क में 11 सिस रेटिनल जो है उसको एक्टिवेट करेगा क्रोमोफोर रीजन को, और दिन के कंडीशन में 11 सिस जो है कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस में, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, रात के टाइम पर अगर 11 सिस रेटिनल है, इसका मतलब लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो लाइगेंड नहीं है, और लाइगेंड नहीं है तो इसका मतलब ट्रांसड्यूसिन नाम का प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा, ट्रांसड्यूसिन क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। लाइगेंड आ गया यानी लाइट आ गई तो 11 सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइगेंड आ गया है तो यहां पर अब ये किस में ट्रांसड्यूसिन जो हमारा जी प्रोटीन है वो क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसिन एक्टिव रहेगा। ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, इसी के बेसिस पर पूरा पाथवे चलेगा। ठीक है, एक और मेहमान इसमें आप लोग पढ़ोगे इस पाथवे में, दैट इज CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, PD यानी फॉस्फोडाइस्टरेज, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करती है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम जो है ये CGMP को कन्वर्ट कर देती है 5' GMP में, ठीक है। ये एक बेसिक चीज है जो मैंने बताई है, अब समझ जाना रोडोप्सिन जो है 11 सिस रेटिनल, मतलब अभी कोई लाइगेंड नहीं आया है, कोई लाइगेंड ही नहीं है, तो यहां पर ट्रांसड्यूसिन नाम का जो जी प्रोटीन है हमारा, ट्रांसड्यूसिन जो है वो इनएक्टिव है, आगे पाथवे जो है अलग तरीके से चलेगा। लेकिन अगर रोडोप्सिन है 11 सिस रेटिनल, ठीक है, लाइगेंड आ गया, लाइगेंड आया हमारा लाइट, जैसे लाइट आती है तो पूरी पाथ पूरी चेंज होगा, 11 ट्रांस में चेंज होगा, ट्रांस में चेंज होते ही जी प्रोटीन जो है हमारा ट्रांसड्यूसिन इसको एक्टिव कर दिया जाएगा और पाथवे जो है फिर चलेगा। तो अब दोनों का पाथवे देखेंगे, डार्क और लाइट में क्या कंडीशन रहती है। तो पहले देखते हैं कि लाइट या डे टाइम पे क्या कंडीशन रहती है, ये लाइगेंड के प्रेजेंस में देखेंगे हम लोग लाइट के कंडीशन में, कि यहां पर लाइट आ रही है, लाइट यहां पर आई है, तो दिन का कंडीशन ही लाइट है, तो यानी दिन है, तो डे टाइम की बात हो रही है, ये डे टाइम की। तो यहां पर जो है रोडोप्सिन जो है हमारा 11 सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होगा, ट्रांसड्यूसिन हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन एक्टिव हो जाएगा। ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होके क्या करता है ना, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होके यहां पर ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज को। CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम क्या करती है, ये हमारी CGMP को कन्वर्ट कर देती है GMP में, किसमें कन्वर्ट कर देती है, GMP में, ठीक है। अब जो हमारा CGMP किसमें कन्वर्ट हो गया है, GMP में कन्वर्ट हो गया है, अब क्या देखने को मिलेगा यहां पर, अब यहां पर ये एक चैनल लगा होता है, यहां पर ये बाहर की तरफ में एक चैनल होता है, इस चैनल का नाम क्या होता है, इस चैनल का नाम होता है CGMP गेटेड सोडियम चैनल, ये आउटर लेयर पे लगा हुआ है ना, इसका नाम होता है CGMP, इसका लोकेशन भी पूछा गया कहाँ लगा होता है, तो CGMP गेटेड सोडियम चैनल, यानी जब इसको CGMP मिलती है ये ओपन होता है, लेकिन अब तो GMP है, अब तो CGMP रहा ही नहीं, फॉस्फोडाइस्टरेज ने क्या बना दिया, GMP बना दिया, तो अब हमारे पास में GMP है,
और ये हमारा सीजीएमपी गेटेड है, यानी ये क्या रहेगा हमारा, अब ये जो है हमारा जो चैनल है, ये हमारा चैनल क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा बंद, क्लोज। क्यों? क्योंकि सीजीएमपी है ही नहीं, तो ये चैनल ओपन ही नहीं होगा। ये चैनल ओपन ही नहीं होगा तो सोडियम अंदर आएगा नहीं, नो सोडियम एंट्री। और सोडियम अंदर आएगा नहीं तो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं क्रिएट होगा। हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन होगी, -70 MV रहेगा अंदर का वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ड्यू टू, क्यों हाइपर पोलराइजेशन क्यों है, हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल कहाँ होता है? सोडियम चैनल होता है आउटर सेगमेंट ऑफ रोड, बाहर वाले सेगमेंट में है ना, ये आउटर सेगमेंट ऑफ रोड, ठीक है। पर जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से होगा डिक्रीज इन रिलीज ऑफ, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ सिनाप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, इतनी चीज क्लियर है ना आप लोगों को? अब यहां पर मैं इस तरीके से लिखवा देती हूँ आप लोगों को, एक तरफ डे टाइम में क्या कंडीशन होती है, एक तरफ नाइट टाइम में क्या कंडीशन होती है। सो डे टाइम, नाइट टाइम, दिन और रात में क्या कंडीशन रहती है, विजन सिस्टम। तो जो रोडोप्सिन है, लाइट आ रही है मान लो, तो रोडोप्सिन जो है 11 cis से ट्रांस में कन्वर्ट होगा और ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होगा। डे टाइम पे ये कंडीशन होगी और रात टाइम पे क्या रहता है, ट्रांसड्यूसिन जो है इनएक्टिव रहता है। क्यों? कि रोडोप्सिन जो है 11 cis रेटिनल वहां पर रहेगा कंडीशन, तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन जो है इनएक्टिव है ना, ये तो चीज आपको पता है। आगे का देखते हैं यहाँ पर क्या चलता है पाथवे। ट्रांसड्यूसिन एक्टिव है तो क्या रहेगा, ये सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम पीडीई यानी फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करना जानता है, जो सीजीएमपी को कन्वर्ट करना जानता है जीएमपी में, केवल जीएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन होगी, हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन। क्योंकि यहां पर सोडियम चैनल क्लोज रहेगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे, डिक्रीज इन रिलीज ऑफ सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। वहीं रात के टाइम पर ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव है, ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव है तो यहां पर सीजीएमपी एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसड्यूसिन ही सीजीएमपी को एक्टिव कर पाएगा, सॉरी सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को। तो सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम भी क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी। अगर ये एंजाइम इनएक्टिव है तो हमारे सीजीएमपी को कोई जीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सीजीएमपी अगर हमारा है तो ये सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल ओपन रहेगा, तो सीजीएमपी गेटेड सोडियम चैनल ओपन है, ओपन है तो सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो कंडीशन क्या होगा, डीपोलराइजेशन। कंडीशन क्या होगा, डीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा +45 MV, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर, एनटीए मैंने न्यूरोट्रांसमीटर, मेनली किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ग्लूटामेट के बारे में, तो रिलीज हो जाएंगे, डिक्रीज नहीं होगी, ये इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा विजन सिस्टम, मई जीपीसीआर इन विजन सिस्टम। क्लियर है इतनी चीज?
ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अब जीपीसीआर के जितने भी पाथवेज थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से जीपीसीआर को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ऑन ऑफ करने के पाथवेज कौन कौन से होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे, यानी रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं अब हम लोग, रेगुलेशन ऑफ जी